नमस्ते, वेलकम टू योर हीरो चैनल। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मीन्स ओल्ड मैन रिवर बाय डॉर्थी डिमिंग। ओल्ड मैन रिवर बाय डॉर्थी डिमिंग। और मैं तमिलनाडु में रहती हूँ, तो आज तलपति विजय का बर्थडे है, तो मैं उनके बर्थडे के लिए विश करती हूँ। और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सबको सेफ रहने का भी सतर्क करती हूँ। ओके, स्टोरी में जाते हैं। स्टोरी कैसे शुरुआत होती है, मीन्स मार्शल करके एक फैमिली है, वहां से शुरू होती है। लिविंग रूम में सारा सीन होता है। और इनमें कैरेक्टर्स है, वो है एमी मार्शल, 17 ईयर्स ओल्ड है, और उनकी बहन बेटी मार्शल, जो उनसे उनकी यंग सिस्टर है, किसकी, एमी की। उसके बाद आता है फील्ड फैमिली का, जो उनके नेबर्स हैं, रोज फील्ड, सारा फील्ड। रोज बड़ी लड़की है जो 16 साल की है, एंड सारा फील्ड 9 ईयर्स की है। और उनका एक और नेबर है जिम, वो 17 साल का है, लाइक एमी एज का है। और मिस्टर पीटर होता है, जो रेड क्रॉस कमेटी होती है उनका, उन वो मेंबर्स होते हैं। एक होते हैं मिस्टर पीटर और एक होते हैं पेनी मार्श। ओके, आपको कैरेक्टर समझ आ गया होगा। नहीं समझ आता तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, और डायरेक्टली भी आप मुझे इंस्टाग्राम से थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, स्टोरी ये है कि लिविंग रूम में शुरू होती है, वहां पर विंटर सीजन होता है, बाहर बहुत बारिश होती है। और क्या होता है कि यहाँ पर एमी, बेटी, रोज, ये सब साथ में बैठे होते हैं। कहाँ पर, लिविंग रूम में। बेटी मैगजीन पढ़ रही होती है, रोज और वो कुछ और काम कर रहे होते हैं। तभी क्या होता है, मीन्स बाहर देखते हैं तो बहुत अंधेरा छा जाता है और बारिश भी ज्यादा हो गया, और ये डरने लगे। उनके घर के पीछे पानी बहुत इकट्ठा हो गया, तो ये सोच रहे कि वो सी हो सकता है, रिवर हो सकता है, गेस कर रहे हैं। फिर पता चलता है कि वो बारिश के वजह से पानी बहुत भर गया करके करते हैं, रोज कहती है। फिर जिम भागता भागता डरता हुआ आता है, बोलता है कि बारिश बहुत होने लग गई और हम लोगों को सेफ जगह पे जाना है। वो जिम ऑलरेडी जूनियर रेड क्रॉस कमेटी में रह चुका, तो उसको एक्सपीरियंस है इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है करके। तो सबको अपनी आइडियाज देता है, और इसमें एमी भी बहुत ब्रेव है, तो वो भी इसका साथ देती है। और सब बाकी सब छोटे हैं, तो उनको ये दोनों ख्याल रखते हैं। क्या होता है, फिर सारा का आवाज सुनते हैं, तो सारा पॉच प्ले हाउस में खेल रही होती है, मीन्स जो घर के बाद होता है ना पॉच, वहां पर खेल रही होती है। उसका पिक मैं यहाँ पर दे दूंगी। ओके, पॉच में खेल रही होती है, और फिर जिम देखता है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए जाता है। तो सारा बचपना करके मुझे बहुत मजा आया, फिर जाते हैं करके। तो जिम तो बोल रहा है कि हम अगली बार जाएंगे, अभी तो बहुत पूरा वेट हो गई हो और बहुत ठंडा भी है बाहर करके, तो अपने आप को वार्म अप कर लो करके। तो उसको वार्म करते हैं, और एमी जाके सबके लिए कोको कॉफी बना के लाती है, ताकि उन सबको थोड़े गर्माश मिल सके। फिर क्या होता है कि अपनी मॉम को कॉल करते, तो मॉम का फोन नहीं लगता, सारे फोन डेड हो जाते हैं, उसमें एक बजिंग साउंड तक नहीं आता है। तो फिर क्या होता है, मैंने जो वर्ड यूज कर रहे हैं उसका सबका मीनिंग नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वर्ड को देख लीजिएगा। और आपको जैसे जैसे मैं स्टोरी बोलती हूँ, वर्ड यूज करती हूँ, आपको समझ ही आ जाएगा। ओके, बजिंग साउंड भी नहीं आता है टेलीफोन में। फिर क्या होता है कि ये सब ना आर्टिक में जाते हैं, आर्टिक का पिक मैं यहाँ पर दे दूंगी। आर्टिक में जाकर वहां पर क्या करते हैं कि सब जो जो चीजें अपने साथ चाहिए वो सब लेके जाते हैं। और जिम बोलता है कि जो जो हमें रेस्क्यू, हमें अपने आप को सेव रखने के लिए जो आइटम्स मिलता है, लाइक फ्लैश लाइट। आर्टिक में जाने के लिए क्या करते हैं कि अपने साथ फ्लैश लाइट। जिम बोलता है कि मैं ऑलरेडी जूनियर रेड क्रॉस कंपनी में रह चुका हूं, तो जो जो चीजें चाहिए वो सब बोलता है, लाइक फ्लैश लाइट, लैटर्न और फ्रेश वाटर, ताकि पानी अच्छा पानी पी सके, खराब पानी ना पी ना सके। फिर क्या और क्या, कैंडल्स हो सकता है, और कम्बल जो ठंड से बचने के लिए। और एमी क्या करती है कि अपने मॉम के और डैड के फेवरेट जो बुक्स और ज्वेल्स होते हैं वो सब लेके एटिक में चले जाते हैं। मैं एटिक का पिक यहाँ पर दे दूंगी। ओके, फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में मिस्टर पीटर आ जाते हैं। मीन्स उससे पहले क्या होता है, जिम ना अपने साथ जो फ्लैश लाइट होता है ना, वो टेरेस पे जाके घर के ऊपर ऐसे होता है, तो उनके ऊपर जाके फ्लैश करता है, 100 टाइम्स फ्लैश करता है, बट उसको कोई क्लू नहीं मिलता कि कोई हमें बचाने आएगा करके। फिर भी डिसअपॉइंट ना होने से नीचे आके ये बोलता है कि हम लोगों, मैंने अपना काम कर दिया, बहुत जल्द हमें रेस्क्यू टीम बचाने आ जाएगी करके। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर में मिस्टर पीटर की आवाज आ जाती है, और मिस्टर पीटर ये चिल्लाते हैं कि मिस्टर मार्शल, क्या घर पे कोई हो क्या, हम लोग आपको रेस्क्यू करने के लिए आए करके। तो एमी ये आवाज सुनती है, फिर क्या करते हैं कि सब लोग बाहर आते हैं और मिस्टर पीटर को देखते हैं, और अपने आप को बहुत काम फील करते हैं, बहुत सेफ फील करते हैं। फिर क्या करते हैं, उनके साथ पेनी मार्श करके एक नर्स भी होती है,
तो ये सब इन बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। तो उसमें क्या होता है मीन्स जब सारा बाहर आती है, घर से बाहर निकलती है, मीन्स वो ऊपर से बाहर आते हैं, तब क्या होता है कि उसके पैर में चोट लग जाती है। तो सारा को उस बोर्ड में बैठा देते हैं, सुला देते हैं और उसको ट्रीटमेंट करते हैं। कौन करती है? मीन्स पेनी मास्क करती है। उनके साथ जो छोटे छोटे हैं ना, सिर्फ उनको साथ में लेके जाते हैं, ताकि बेटी सारा ये दोनों ही उनके साथ जाते हैं। और जो है एमी और जिम, ये दोनों क्या करते हैं? पीछे रहते हैं। क्यों रहते हैं? मीन्स उस बोट में इतने लोग ना नहीं आ पाएंगे, इसलिए। और वो पेनी मार्श क्या करते हैं कि अपने साथ जो रेड क्रॉस कमेटी का कॉफी है, जो लोगों को वार्म करने के लिए दिया गया है, वो उन बच्चों को थोड़ा दे के चले जाते हैं। स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है, आई मीन खत्म होती है। और इस स्टोरी से हमें ये मॉरल सीखने को मिलता है कि कैसे हम लोग यूनिटी, अपने आप को यूनिटी रखते हैं उस वक्त जहां पर टाइम एक्शन सब एक ही साथ हो। प्लेस, टाइम, प्लेस, एक्शन, इन सबका एक ही साथ मिलना आता है, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं यही इस स्टोरी में दिया है। आई होप आपको मेरा मॉरल समझ आ रहा है और मेरे सारे वीडियो समझ आ रहे हैं। कहीं पर भी आपको कुछ समझ ना आया ये, तो मैं वापस उस वीडियो को बनाने के लिए भी रेडी हूँ। और आप मुझे बहुत सारे सवाल पूछना चाहेंगे तो भी पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।